प्रदेश में बीते कुछ समय से अच्छी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाला उफान पर चल रहे हैं और अब मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से प्रदेश के कई जिला में भारी बारिश के अनुमान जतावा गया है। इसने मैं अपनों को बताई थी कि आखिर अपना के जिला में मौसम विभाग के द्वारा जारी की जाने वाली भविष्यवाणी के मुताबिक बारिश की हाल कौन में रही। बुंदी क्षेत्र के पहल बघेली ने उस चैनल में पूछा अपना पंचायत सभा जनन का प्रणाम कही थी, शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कई जिला में भारी बारिश के अनुमान जतावा का। नदी और नाला के उफान पने की वजह से कई जिला में लोगों के साथ दुर्घटना घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिक के द्वारा अब रीवा, सीधी, सिगरौली, बालाघाट, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, रायसेन, भोपाल आदि जिला में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। कुछ जिला में कम बारिश के ऑरेंज अलर्ट खिलाए जारी है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में मानसून में फिलहाल मानसून जम के बरस रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक यह बारिश लगातार हो सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 जून से शुरू होने वाली बारिश अब तक औसत से 20% अधिक हो चुकी है। केवल ग्वालियर चंबल इलाका का अगर छोड़ दिन जाए तो शेष तमाम इलाका में खासतौर पर मालवा, भोपाल, नर्मदापुरम, महाकौशल इलाका में बारिश की वजह से कई एक नदी पर बने डैम के गेट तक खोले पड़े हैं और एक बार फिर से कुछ जिला कलई के जिमा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, भोपाल, अशोकनगर शामिल हैं वहाँ भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा